आपका स्वागत है. इंडिया मोस्ट वॉन्टेड का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, तो जिस तरह से फिल्म की तैयारी चली है, क्या रहा इस फिल्म के अंदर, क्यों आपने ये फिल्म को चुना, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बस यही कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी थी. जब मैं रिसर्च कर रहा था तो बहुत ही इंस्पिरेशनल लगी, और इस कहानी को इसने मुझे इमोशनली टच किया, इसलिए मैं ये कहानी कहना चाहता था. ये इसलिए भी कहना चाहता था कि आगे ये अनसंग हीरोज़ की कहानी है, और मुझे लगा कि जिस तरह से मुझे इस कहानी के बारे में पढ़कर इतना मैं इमोशनल हो रहा हूँ, इस कंट्री को, लोगों को, ऑडियंस को ये जानना ज़रूरी है, इस कहानी के बारे में जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये कहानी बनाई. सर, जिस तरीके से हमारे बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल फिल्म बहुत ज़्यादा आ रही है, लाइक अभी लास्ट हमारी केसरी आई थी एंड अभी इंडिया मोस्ट वॉन्टेड आ रही है, तो जिस तरीके से इस फिल्म पे काम किया, जब हम ट्रू बेस्ड स्टोरी दिखाते हैं तो उस वक्त में लाइक हमें कुछ लिमिटेशंस रखने पड़ते हैं कि ये कुछ एक्सट्रीम ना हो जाए, ताकि कोई विरोध ना करे, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया इस फिल्म में? देखिए, हम जब फिल्में बनाते हैं तो अगर आप मेरी पहली मैंने कभी ये किसी चीज़ को फॉलो नहीं किया है. मुझे जो चीज़ टच करती है मैं उसके बारे में फिल्म बनाता हूँ, और वही फिल्म मैंने बनाई है. ऑफकोर्स जब आपकी कहानी कह रहे हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आप सेंसिटिव हों चीज़ों को लेकर, और सेंसिटिविटी पे ध्यान कर रखना चाहते हैं, तो वही मैंने किया. अगर फिल्म से रिलेटेड कोई भी अगर कोई एक्शन लिया जाता है या कोई कंट्रोवर्सी होती है, तो क्या टीम रेडी है इस चीज़ के लिए? देखिए, मैं ये कहानी, जैसा कि मैंने कहा, अनसंग हीरो के बारे में, ये कहानी देश के बारे में है, कहानी ऐसे लोगों के बारे में जो हमें अनसंग हीरोज़ के बारे में है, लोगों के बारे में जो हमें सुरक्षित रखते हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, लेकिन हम उनके बारे में नहीं जानते और हम उनको थैंक यू करना भूल जाते हैं. तो मुझे लगता है कि देश उनके बारे में जानना चाहेगा और ऑडियंस उनके बारे में जानना चाहेगी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसे कंट्रोवर्सी होगी या कोई कंट्रोवर्सी ऐसी निकल कर आएगी. फिल्म में कई बार मसाला डालने के लिए कुछ चीज़ों को चेंज किया जाता है, लेकिन इस फिल्म में पूरा फोकस अर्जुन कपूर पे है. कोई आइटम सॉन्ग अभी तक हमें नज़र नहीं आया है, या कोई लीड में हमें हीरो ही नज़र नहीं आया, तो क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं या जो है अभी वैसा ही चलता रहेगा? मैं ये जो फिल्म है, जो सब्जेक्ट है, उसमें न किसी हीरोइन की ज़रूरत थी, न किसी ऐसे सीन की ज़रूरत थी जो मसाला हो. ये एक कहानी, एक बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी है. अगर मेरी फिल्मों को देखें तो चाहे वो आमिर हो, नोवन किल जैसी का हो, घनचक्कर हो, रेड हो, या इंडियाज मोस्ट वांटेड हो, मैंने कभी इस तरीके से कभी मैंने किसी चीज़ को फॉलो नहीं किया है, या कभी वो करने की कोशिश नहीं की गई है जहाँ ज़बरदस्ती मसाला डाला जाए या किसी को लाया जाए. मेरे लिए कहानी इम्पॉर्टेंट है, कहानी का पात्र इम्पॉर्टेंट है, और फिल्म इम्पॉर्टेंट है, और मैं उसी पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ. मेरे लिए कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट है, और मेरी अगर हर फिल्मों में देखें आप तो मैं लकी रहा हूँ कि मुझे अच्छे एक्टर्स के साथ, अच्छे स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिला है, उन्होंने कैरेक्टर के साथ जस्टिस किया है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.